बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा पिक्चर से कि आज मैं आप सबके लिए कॉफ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज जो मैं आप सबके लिए कॉफ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। इसका नाम है डेलगोना कॉफ़ी। आजकल हर जगह इस कॉफ़ी का जो है वो ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने भी ये रेसिपी ट्राई की। आप यकीन करें, सुपर डिलीशियस रेसिपी है। आप भी ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये कॉफ़ी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं डेलगोना कॉफ़ी बनाना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। तो ये मैंने ले लिया एक मिक्सिंग बाउल, और मिक्सिंग बाउल के अंदर ऐड करेंगे हम इंस्टेंट कॉफ़ी। कॉफ़ी आपको चाहिए होगी टोटल 3 टेबल स्पून। कॉफ़ी डालने के बाद इसमें जाएगा हॉट वाटर। गर्म पानी आपको चाहिए होगा, गर्म पानी भी हम ले लेंगे टोटल 3 टेबल स्पून। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर शुगर। पाउडर शुगर भी मैंने ले लिया टोटल 3 टेबल स्पून। पानी, शुगर और कॉफ़ी की क्वांटिटी जो है वो सेम होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को हमने व्हिस्क करना होगा लगातार। तब तक हम इसे व्हिस्क करेंगे जब तक कि हमारा जो ये मिक्सचर है वो क्रीमी फोमी टेक्सचर में नहीं आ जाता। तो मैं इसे लगातार व्हिस्क करूंगी। ये हमारा जो मिक्सचर है क्रीमी फ्रोथी टेक्सचर में आ चुके हैं। सेम इसी तरह से हमें इसका टेक्सचर चाहिए था। टोटल मुझे इसको विस्क करने में जो टाइम लगा है वो 8 मिनट लगे हैं। जब मैंने इसको विस्क करना स्टार्ट किया था तो मैंने अपने मोबाइल में जो थी वो टाइमिंग सेट कर ली थी, ताकि फिर मैं आपको बाद में बता सकूँ कि इसको विस्क करने में टोटल कितना टाइम लगता है। तो टोटल इसको जो टाइम लगा था विस्क करने में वो लगे थे 8 मिनट। उसके बाद हमने क्या करना है, आपने एक सर्विंग ग्लास लेना होगा। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिल्ड मिल्क, ठंडा दूध आपने इसके अंदर ऐड करना है। अगर आपके पास ठंडा दूध नहीं है तो आप सबसे पहले ग्लास में डालेंगे आइस क्यूब्स, और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे दूध। दूध जो है आपने ऊपर तक बिल्कुल नहीं भरना, आपने थोड़ी सी जगह जो है बचानी होगी। मिल्क डालने के बाद हम टॉप पे क्या डालेंगे, हमारे पास जो क्रीमी कॉफ़ी वाला मिक्सचर था वो हम टॉप पे इस तरह से डालेंगे। मैंने मिक्सचर को पाइपिंग बैग में डाल के इस तरीके से पाइप कर रही हूँ। चाहें तो आप इसे स्पून की मदद से भी आप टॉप पे डाल सकते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, हमारी सुपर डिलीशियस डेलगोना कॉफ़ी बनके रेडी हो चुकी है। लास्ट में आपने क्या करना है, स्पून से इसका जो फ्रॉथ है, जो आपको ये फोम नज़र आ रहा है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होगा स्पून की मदद से, और उसके बाद आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये ठंडी ठंडी कॉफ़ी पीते हुए। आपको भी ये कॉफ़ी बहुत पसंद आएगी, लाजमी रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को शेयर करना मत भूला करिए अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।